ढेर सारी शुभकामनाएं सभी स्टूडेंट्स को, सभी भाइयों बहनों को, सभी साथियों को। नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, जो कि हमारे हिंदुओं के लिए या हिंदू समाज का सबसे बड़े त्योहारों में से एक है होली का पर्व। अब होली का पर्व क्यों मनाया जाता है, कुछ बात हम इससे संबंधित भी करेंगे। फिर अलग अलग होलियां मनाई जाती है सर, पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की होली मनाई जाती है। राजस्थान में भी अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार की होली मनाई जाती है, उसके बारे में भी हम कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बरसाने की होली की। पूरे भारत में जो प्रसिद्ध है वो बरसाने की होली है। वहाँ पे विदेशी पर्यटक और स्वदेशी लाखों की संख्या में होली से पूर्व, मतलब होली का पर्व से कुछ दिन पहले से शुरू हो जाता है। हाँ, 4-5 दिन पहले से ही होली का पर्व शुरू हो जाता है। जैसा कि आप ये इमेज देख रहे हैं, ये बरसाने की इमेज है जिसमें लाखों की तादाद में पर्यटक और स्वदेशी सब मिलके होली मनाते हैं। इस होली का एक रीजन है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी होली का, आप भी जैसे आज भी बधाई दे रहे हो तो आपके व्हाट्सएप पे या लोगों के स्टेटस पे देखा होगा भगवान कृष्ण को राधा जी पे पिचकारी से कलर डालते हुए दिखाया गया। उनका क्या रीजन है? तो ये जो होली मनाई जाती है, ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण, राधा जी का गांव था बरसाना और भगवान कृष्ण का जो बचपना बीता है वो नंदगांव में बीता है। मूल रूप से भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, वासुदेव जी और देवकी की संतान थे, लेकिन फिर नंदगांव आ गए थे, नंदगांव में ही वो रहते थे। उन्होंने बरसाने जाके राधा जी और राधा जी की सहेलियों को बातों से छेड़छाड़ की, तो बरसाने की औरतें उनके पीछे लट लेके आई। उसी मान्यता को ध्यान में रखते हुए आज भी ऐसी परंपरा है। नहीं तो बरसाना की होली से पहले होली का कोई इतिहास नहीं देखा होगा। उससे पहले होली का कोई एक इतिहास ये है कि भाई होली का मूल रूप से हम क्यों मनाते हैं, उसका कारण है भगवान कृष्ण के एक अनन्य भक्त थे, या विष्णु जी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। पहला उनके पिता थे हिरण्यकश्यप, जो कि भगवान विष्णु को कुछ नहीं मानते थे, लेकिन भगवान विष्णु के भक्त थे पहला। उनको मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन, जो कि प्रहलाद जी की बुआ हुई, और उनको वरदान प्राप्त था भी, उनका ही नाम आग में वो नहीं जल सकती थी। हाँ, वो होलिका ही थी जिनको वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जल सकती। लेकिन नहीं, वो शायद एक वो ऐसा एक अपैरल दिया था, एक अपैरल जो कपड़ा है ना वो ओढ़ के अगर वो प्रहलाद को गोद में लेके अग्नि में बैठ जाए तो वो नहीं जलेगी जी, क्योंकि अगर उसको वरदान होता तो वो अग्नि में जल जाती। तो अग्नि में तो वो जली थी, लेकिन वो जो वस्त्र है हट जाने की वजह से उसका होलिका का दहन हो गया। और उसी दहन को हम बुराई के अंत के रूप में, उसको बुराई के अंत के रूप में देखा जाता है और ये होली का पर्व मनाया जाता है। होलिका पर्व, होलिका दहन के दूसरे दिन से ये रंगों के कार्यक्रम, जल, पुष्प वर्षा, इसके द्वारा लोग आपस में सम्मान करते हैं। दुलंडी जिसको हम बोलते हैं, उस दुलंडी पे ही ये सारे रंग वगैरह, गुलाल वगैरह डाले जाते हैं। हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं और रामासमा जिसको रामासमा के तौर पे मनाया जाता है। अब बात करते हैं तो ये जैसे बरसाना आपने कहा है, बरसाना और नंदगांव, देयर आर टू प्लेसेस। तो ये बरसाना नंदगांव मतलब मथुरा के ही आसपास, मथुरा के पास में ही है, यूपी में ही पड़ते हैं दोनों। नंदगांव वहाँ के जो राधा रानी के मंदिर वगैरह हो गए, राधा जी का पूरे भारत में एक ही मंदिर है जिसको लाडी जी का मंदिर भी कहा जाता है। पूरे भारत में एक ही राधा रानी का मंदिर है, वो बरसाने में है। और भगवान कृष्ण के बड़े बड़े मंदिर जो बांके बिहारी है वो भी, और द्वारकाधीश, बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में है और द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में है। मथुरा में जी। तो यहाँ आपका मतलब है कि उस जो बरसाने की होली है, विदेशी पर्यटक भी, विदेशी पर्यटक आते हैं, देखो आप, और मतलब ट्रक भर के ये गुलाल वगैरह जाती है, खूब सारी गुलाल उड़ाई जाती है। मतलब ये जो अपने इंडिया की पहचान है, तो बरसाना की होली पहचान है बहुत बड़ी, मतलब ये एक बड़ी जगह है इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ जी। तो यहाँ लठमार होली का मतलब क्या है? लठमार होली में ऐसा है सर कि जैसे कि भगवान ने बताया ना कि भगवान की जो राधा जी और भगवान कृष्ण का जो अनन्य स्नेह था, उस परंपरा को बनाए रखने के लिए वो लठ लेके, मतलब बरसाने, आज भी नंदगांव के पुरुष बरसाने में जाते हैं होली से 4-5 दिन पहले, और बरसाने की औरतें उनको लठ मार के उनका स्वागत करती है, इस तरीके से ही स्वागत करती है। और वो पुरुष शुद्ध जो उनकी ब्रज भाषा है उसमें वो होली का गीत वगैरह गाते हैं और वो औरतें लट लेके उनको मारती है। आज भी इसी तरह वो इसी कारण उसको लट मार होली कहा जाता है। हमारे राजस्थान में भी सेम इसी तरह की महावीर जी करौली में स्थापित है। करौली में श्री महावीर जी में भी ऐसी लट मार होली मनाई जाती है। जयपुर में इसके बाद हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में जन्म मरण और प्रण की होली मनाई जाती है। अगर पूछ लिया जाए जन्म मरण और प्रण की होली क्या मनाई जाती है तो जयपुर जिले मनाई जाती है। उसमें इन तीनों में जन्म मरण और प्रण में जन्म बताया जाता है पोते का, मरण बताया जाता है पिता का, मतलब पिता की अर्थी, बेटे की बारात और पोते का जन्म, ये तीनों एक साथ दर्शाया जाता है। इसी तरह की एक सिमिलर जो रिंगस सीकर में भी कोई होली मनाई जाती है जिसमें जो जन्म का अगर हटा दिया जाए तो उसमें दुल्हे की बारात और सब यात्रा उसके साथ में रख के दोनों का जो तालमेल है, दोनों का सामंजस्य है जी। जो ढोलता से भी बजते हैं और मातम संगीत भी बजता है जी। तो वहाँ ये बताया जाता है गोपीनाथ जो मंदिर है वहाँ से ये एक्टिविटी जो शुरू होती है। आगे बारात है, पीछे शव यात्रा जी, और दोनों आगे जो दशहरा मैदान के अंदर वहाँ जब खत्म होती है वहाँ जो शव है वो तो एक जो घास फूस का पुतला बना के वहाँ उसको जो अंतिम संस्कार कर लेते हैं। और जो बारात के लिए जरूर किसी न किसी व्यक्ति को दूल्हा बनाते हैं और उसको घोड़े पे चढ़ा के ढोल बाजा के साथ में, तो ऐसा सुनने में ये आया। वो रिंगस सीकर में है। इसके अलावा भी और है जैसे अंगारों की होली है, कोड़ी मार होली है, पत्थर मार होली है। सबसे पहले हम जैसे बात करते हैं कि देवर बाबी की होली जो कि हमारे राजस्थान में बहुत फेमस है। भाई बाकी सारी तो मने ही नहीं मने, ये तो अपने राजस्थान मारवाड़ में भी लोग मनाते हैं देवर बाबी की होली। ब्यावर की प्रसिद्ध है देवर बाबी की होली। उसमें सिस्टम होता क्या है, एक बड़ी सी कढ़ाई लगा दी जाती है, उस कढ़ाई के चारों तरफ औरतें खड़ी होती है, मतलब बाबियां। वो देवर होते हैं जो उस कढ़ाई के अंदर गिर के उनको पहुंचने की कोशिश करते हैं, भिगोने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाबियां अपने कोड़े लेके खड़ी रहती है और उन देवरों को कढ़ाई तक आने से रोकती है। इस कारण इसको देवर बाबी की ये संघर्ष चलता है जो होली मतलब जो पर्व का ये जो खेलने का है, ये है देवर बाबी की होली। इसके साथ एक चीज और जुड़ी है, यहाँ पे ब्यावर में ही बासा की सवारी निकली जाती है। बासा की सवारी एक मान्यता है कि अकबर को बचाने के लिए 2.5 दिन के लिए टोडरमल को बासा बनाया गया था। टोडरमल को जो उनके राजस्व अधिकारी थे, टोडरमल को बासा बनाया गया और टोडरमल ने जनता के हित में खजाना लुटाना शुरू कर। वो जनता के बीच में गए, वो खजाना लुटाते हैं, उसको ही बादशाह की सवारी। वो बादशाह और वो बादशाह जो भूमिका में थे वो टोडरमल थे। बादशाह की सवारी राजस्थान में मुख्य रूप से ब्यावर में निकाली जाती है। इसके अलावा नावा, अभी आपने बात की ना न्याण महोत्सव, ये न्याण महोत्सव कोटा में है, वहाँ पे भी बादशाह की सवारी निकाली जाती है। नावा हालांकि आवा संगोद कोटा में है, वहाँ पे भी मनाई जाती है। अब हम बात कर रहे थे अभी आपने कि पत्थर मार होली है या फिर कोड़े मार, ये भी काफी पॉपुलर है। कोड़े मार होली है जो बिना अजमेर मनाई जाती है। उसमें भी दो अलग अलग गुट बन जाते हैं। फिर है अंगारों वाली होली, वो केकड़ी अजमेर में है। फिर ये जो बाड़मेर के अंदर जो होली खेली जाती है वो पत्थर मार होली, वो भी पत्थर मार होली का ही रूप है। तो वहाँ एक और होली का रूप है जो लखेटा और कनाना, वो आंगी-बांगी की होली। हाँ, तो आंगी-बांगी की होली है, वो भी एक बाड़मेर की पहचान है। बाड़मेर। इसी तरह बीकानेर में किस प्रकार की होली खेली जाती है? बीकानेर में डोली मचार नाम से होली मनाई जाती है। डोलची मार। हाँ, उसमें क्या होता है सर कि वो आपने पहले देखा होगा कि जो डोलची होती थी ऊँट के खाल की जो बनाई जाती थी, डोलची से पानी निकाला जाता था, उससे वो पानी लेते हैं और गिराते हैं, इसलिए उसको डोलची मार। तो ये पहचान बन गई बीकानेर की। कुछ बीकानेर की और पहचान है ना पुष्करणा समाज की होली है, जिसमें जो अलग पुष्करणा समाज के दो वर्ग, एक हर्ष और एक व्यास, दोनों जाति के लोग इस तरह की होली मनाते हैं बीकानेर। इस तरह से अपने राजस्थान में होलियों की बहुत अलग अलग विभिन्न प्रकार की होलियां हैं जिसको हमारे कॉम्पिटिशन लेवल से भी पूछा जाता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं। कोड़े मार होली कहाँ खेली जाती है? ये अपने लठ मार होली का खेली जाती है। अंगारों की कहा जैसे अभी और डेप्थ में जावे तो ये आंगी वांग वगैरह ऐसा भी पूछा जा सकता है। बादशाह की सवारी कई बार पूछी गई है। ये सारा जो था ये अपने होली से संबंधित था। आप सभी को एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके लिए हम सर आप कुछ ला रहे थे, उसको भी बता दो कि जो स्टूडेंट्स है एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी जो फार्मासिस्ट और लाइब्रेरियन का एग्जाम की डेट घोषित हो चुकी है और इसी के अलावा जो पटवार और कांस्टेबल है उनके एग्जाम्स है बहुत नज़दीक है, तो हमारे जो मिजाज अकेडमी जो प्लेटफॉर्म है इन बच्चों के लिए होली पे विशेष पैकेज रखा है कि हमने जो टेस्ट सीरीज है वो 30 टेस्ट की टेस्ट सीरीज इन चारों एग्जाम्स के लिए हमने फ्री कर दी है। उसमें चार में एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ कि फार्मासिस्ट, लाइब्रेरियन, कांस्टेबल और पटवारी एग्जाम। इन एग्जाम्स में जो टेस्ट सीरीज के जरिए हम आपको क्रैश कोर्स करवाएंगे, तो क्रैश कोर्स की मामूली फीस है, यूँ समझिए कि 10% फीस है टोटल फीस की। तो क्रैश कोर्स की फीस आपको अदा करनी है, लेकिन टेस्ट सीरीज उसमें टोटली आपको फ्री मिलेगा। तो आप उसमें टेस्ट जो हम प्रिपेयर करते हैं, हमारी टीम प्रिपेयर करती है, वो पूरा टेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड ही होगा, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होगा। तो नो डाउट आप बहुत मिनिमम फी पे करके आप आराम से अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम को पार कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक मिजाज अकेडमी ऐप, मिजाज अकेडमी नाम से ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको आज हम डेमो देंगे, उस डेमो को भी एक बार देखना, अपने लोगों अपने साथियों के साथ उसको शेयर जरूर करना, चूकना नहीं है, क्योंकि ये होली का जो पर्व है ये हम विशेष रूप से आपके लिए, ये सारा जो पैकेज है ये आपके लिए लाया गया है, हमारे सिर्फ मेहनत है जिसमें आप सहयोग करेंगे। अच्छा साथियों, होली की अगेन एक बार और शुभकामनाएं, और होली खेलिए, बुरा ना मानो, होली है और बुरा मानना नहीं है। अगर किसी भी तरह से कोई भी लोग होली का उत्सव मनाता है तो किसी तरह उसको अफोर्ड करिए, लेकिन बुरा मत मानिए। लेट अस प्ले मेगा टेस्ट डेमो। जो मेगा टेस्ट सीरीज का आपको एक 28 क्वेश्चंस का आज डेमो करवाते हैं। ये डेमो लास्ट जो 10 डेज के हमने जो एक नज़र पत्रिका भास्कर न्यूज एनालिसिस पे उसी से ये क्वेश्चंस हमने बनाए हैं, जो हमने पिछले 10 दिनों में आपको ये जो करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है और टॉपिक्स पे हमने आपको करंट अफेयर्स की न्यूज विश्लेषण की थी, उस पे आपको बताया था कि किस प्रकार के क्वेश्चंस है वो पूछे जा सकते हैं। तो करंट को पास के परिप्रेक्ष्य में हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। हाय, तो क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्वेश्चंस मैं पढ़ लेता हूँ। जोधपुर स्थित सेना के कोणार्क कोर में पद स्थापित देश के पहले कर्नल जय कपल, कर्नल अमित कुमार और लेफ्टिनेंट कर्नल अनु डोगरा बनेंगे। तो यहां आप देख रहे हैं कर्नल जय कपल, कर्नल जय कपल जो आप देख रहे हैं ये कैसा कपल होता है, ये आपके लिए एक काफी सोचने वाली बात है कि बहुत कम लोगों ने देखा होगा कि कर्नल तो चलो हमने सेना की एक पोस्ट का नाम है, कपल भी ठीक है, लेकिन व्हाट इज जैक। तो यहाँ यही क्वेश्चन पूछा है कि जैक क्या है। जैक को इंग्लिश में JAG के रूप में जैक लिखा जाता है। जैक की फुल फॉर्म क्या मैं बता दूंगा, लेकिन इससे पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि जैक की फुल फॉर्म के ऑप्शंस क्या क्या है। जज असिस्टेंट जनरल है क्या, जज एडवोकेट जनरल है, जज एडवोकेट ग्रुप है, या जूनियर अकाउंटेंट जनरल है। तो ये इसमें ऑप्शंस आपको देखने के लिए एक बार इसकी फुल फॉर्म देख लेंगे। जैक J4 जज, A4 एडवोकेट, and G4 जनरल। जज एडवोकेट जनरल आपका दूसरा ऑप्शन है। जज एडवोकेट जनरल ये आपका ऑप्शन होगा सही, लेकिन अब इसके बैकग्राउंड पे जाके देखना पड़ेगा कि ये जैक जो आर्मी के अंदर जैक क्या होती है और क्यों इनको जो ये कपल का एक दर्जा दिया गया है, कर्नल जैक कपल, जो ये हस्बैंड वाइफ है। 2008 में की हिस्ट्री में बताऊं कि 2008 में इन्होंने जब शादी की तो इनको कहा जाने लगा जय कपल। क्या कहा जाने लगा, जय कपल कहा जाने लगा। तो आज इनको ये उपाधि मिल रही है कर्नल जय कपल। क्यों? क्योंकि दोनों ही कर्नल बनके कैसे बनेगा? अगर आप ये देखेंगे कि मैडम तो लेफ्टिनेंट कर्नल है, लेकिन इनका कर्नल पे प्रमोशन हो गया। कर्नल के पद पे प्रमोशन होते ही इनको ये डिग्री मिल गई, भाई ये जो पदवी मिली है कर्नल जय कपल। तो ये इसके बारे में आपको और डिटेल बताना चाहता हूँ। जो आर्मी के अंदर जो ये पोस्ट होती है जजेस एडवोकेट जनरल, आर्मी के अंदर एक पोस्ट होती है और इस पोस्ट की है, इस पोस्ट पे जो हेड ऑफ जो होते हैं वो होते हैं मेजर जनरल। मेजर जनरल जो होते हैं वो इसके हेड होते हैं, इस पोस्ट के हेड होते हैं। तो आर्मी, इंडियन आर्मी के अंदर क्या होता है कि इंडियन आर्मी के अंदर ये एक लीगली एंड जुडिशियली, ये लीगली और जुडिशियली एक ब्रांच होती है आर्मी के अंदर, जो लीगल ब्रांच होती है। तो ये जो आपके जैग ऑफिसर, ऑफिसर्स, इनके अंदर इस समझिए कि ये ब्रांच है सेना की जो लीगल जितनी जो एडवाइस देना होता है, लीगल असिस्ट करना होता है आर्मी को, आर्मी के जितने भी जो आस्पेक्ट्स है, चाहे किसी भी पहलू पे जब कानूनी जो प्रश्न खड़ा होता है तो उस कानूनी प्रश्न का जवाब देना इस ब्रांच का काम है। ये ब्रांच क्या करती है? कानूनी पहलुओं पे अपनी राय देती है, अपनी सिफारिशें देती है। तो जैसे कि जो कोर्ट मार्शल होता है जो आपके मिलिट्री लॉ पे, कोर्ट मार्शल ऑन मिलिट्री लॉ, तो इसका जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है जिसको पीओ बोलते हैं, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, इस प्रेजाइडिंग ऑफिसर को लीगली एडवाइस करना होता है। तो ये लीगली एडवाइस कौन करते हैं? ये आपके जैग ऑफिसर्स करते हैं, ये जैग ऑफिसर। तो ये जैग ऑफिसर्स, इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो कम से कम एलएलबी होना चाहिए। एलएलबी होगा, इंडिया का नागरिक होगा, इसके अंदर एक सर्टेन एज लिमिट होती है, इस एज के बीच में होगा। अच्छा, दूसरा ये कि इस ब्रांच में आर्मी की दूसरी ब्रांच से भी लोग कमिश्नर कर सकते हैं, इसमें अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनकी अपॉइंटिंग हो सकती है। और इनका जो डायरेक्ट भी अपॉइंटमेंट होता है जैक ब्रांच में वो भी हो सकता है। तो ये आपका जो दूसरा ऑप्शन है ये सही है, जजेस एडवोकेट जनरल, जजेस एडवोकेट जनरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने डल झील के किनारे जबरवन पर्वतों की पृष्ठभूमि और मुगल गार्डन के पड़ोस में स्थित है SKICC। अभी का ये जो हमने पिछले एपिसोड में करंट अफेयर्स में आपने सुना होगा कि SKICC यानी शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर। तो ये इसकी स्थिति, जो लोकेशन है वो डल झील के पास में, मुगल गार्डन के पास में, या डल झील पे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डल झील, तो डल झील आपकी जो इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और मुगल गार्डन पे। तो ये SKICC जो क्या है, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक आदेश दिया है और इस आदेश के तहत ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, इससे ये शेरे का हटाने का आदेश हुआ है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शेरे कश्मीर को हटा दिया। तो शेरे कश्मीर को हटा दिया तो पीछे आपका ये नाम बच गया कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर। कश्मीर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर है, तो यहाँ प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि ये शेरे कश्मीर है वो किसके लिए यूज होता था? प्रश्न ये है कि आपका कश्मीर के इतिहास में शेरे कश्मीर किसको कहा जाता था? तो शेरे कश्मीर अगर किसी को कहा जाता था, उसमें ऑप्शन है मुफ्ती मोहम्मद सईद है, क्या उमर अब्दुल्ला जी है, फारूक अब्दुल्ला है, या मोहम्मद अब्दुल्ला शेख है। तो इसमें आपका मोहम्मद अब्दुल्ला शेख है जो फारूक अब्दुल्ला के फादर है, और फारूक अब्दुल्ला के पुत्र है उमर अब्दुल्ला। तो ये जो मोहम्मद शेख है, इन्हें शेरे कश्मीर कहा जाता है, शेरे कश्मीर। शेरे कश्मीर इनको क्यों कहा जाता है वो भी आप देख सकते हैं, शेरे कश्मीर कहने का क्या कारण है। तो अगर इतिहास में जाए तो 1947 में जम्मू एंड कश्मीर का असेशन हुआ। जम्मू कश्मीर का भारत में जो विलय हुआ वो 1947 हुआ। उस समय जो एक इंटरिम पीएम मेयर चंद महाजन, ये इंटरिम पीएम थे। इनका कार्यकाल है 1946 से लेकर के 1950 तक ये इंटरिम प्रधानमंत्री थे। तो एनेक्शन जो एक्सेशन हुआ, जो कश्मीर का भारत में विलय हुआ, उस समय जो मेयर चंद महाजन है वो कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। तो ये जो दो पद थे उसमें एक तो था सदर-ए रियासत, जो आज बदल के गवर्नर हो गया, और दूसरा जो पद था वो था प्रधानमंत्री अर्थात पीएम। दूसरा पद क्या था? प्रधानमंत्री यानी कि पीएम था। तो जो इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट पीएम बने वो आपके शेख अब्दुल्ला थे। शेख अब्दुल्ला या मोहम्मद अब्दुल्ला शेख, जो पहले जम्मू एंड कश्मीर के प्रधानमंत्री बने, इसलिए इनको लॉयन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉयन ऑफ कश्मीर। अब इसके बाद 1965 में एक और जो इवेंट हुआ, एक और घटना हुई है, उसमें जो दो पद है उनको हटा दिया गया। सदर रियासत को गवर्नर में और प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री, पीएम चेंज टू सीएम, एंड सदर ए रियासत, चेंज टू सीएम, सॉरी गवर्नर। सदर ए रियासत चेंज टू गवर्नर एंड पीएम चेंज टू सीएम। तो ये 1965 में हुए। और एक और अकॉर्ड जो साइन हुआ है इंदिरा और शेख अब्दुल्ला के बीच में, जो इंदिरा शेख अकॉर्ड के नाम से इतिहास में पॉपुलर है, इंदिरा शेख अकॉर्ड, ये एक समझौता हुआ इन दोनों के बीच में। उसके बाद ये 1974 में हुआ, ये याद रख लेना बात है। दिस अकॉर्ड वाज हैपन इन 1974, इमरजेंसी के आसपास का ये साल है। 1974 में इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ। इंदिरा शेख के बीच में जो आपका समझौता हुआ वो 1974 के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक प्रश्न जो पूछने लायक है, और यू शुड रिमेम्बर इट, ये आपको याद रखना चाहिए। जितना आप जैसे देख रहे हैं कि जो शेख अब्दुल्ला है, जो शेर अगर कश्मीर है, लॉयन ऑफ कश्मीर है, तो उनसे रिलेटेड ये आपका एक इंपॉर्टेंट अकॉर्ड है। और इस अकॉर्ड के बाद ये जम्मू एंड कश्मीर के सीएम बन गए अगेन, और इसके बाद ये अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे 1982 तक। तो ये जो आपका शेर कश्मीर का एक छोटा सा इतिहास है एंड यू मस्ट लर्न इट, एंड अगर आपको इसको रिवाइज करना है तो यू कैन अगेन सी आवर वीडियो और मल्टीपल आपका इसका वीडियो का आप देख सकते हो, मल्टीपली आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो राजस्थान जीके का एक्सपर्ट है, आइए मिस्टर केके, ये तो ये है आपका, ठीक है सही, आप ये रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जी सर। क्यों तो हम अभी सर बात करके गए थे, आप सबको होली की शुभकामनाएं भी दी थी और ये क्वेश्चन होली से ही है। अजमेर के बिनाए में ऐतिहासिक कोड़ेमार होली खेली जाती है जिसमें दो दल एक दूसरे पर कोड़े बरसाते हैं। अब इसने पूछा है कि कोड़े किसके बने होते हैं, ये सवाल है। पहली चीज तो ये हो गई कि कोड़ेमार होली कहाँ खेली जाती है, इस क्वेश्चन में आपको सवाल मिल जाएगा बिनाय। बिनाय कहाँ पे है? अजमेर। क्लियर। उसके बाद हम बात करें कि कोड़े बरसाते हैं उसको कोड़े किस चीज के बने होते हैं, तो इसमें नंबर वन है कपड़ों के, नंबर टू है रस्से के, रबर के, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कोड़े बने होते हैं ये रस्से के बने होते हैं, इसके बने होते हैं, रस्से के बने होते हैं। रस्से को मरोड़ करके फाइबर से इनको बनाया जाता है, ये इसका आंसर है। लेकिन इसके बारे में और समझ लें, अजमेर के विनायक की बात हो रही थी कि विनायक में कौन सी होली मनाई जाती है, कोड़ेमार होली मनाई जाती है। इससे आपको तीन चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। पहली चीज, बिनायक किस जगह पे स्थित है, तो अजमेर जिले में स्थित है। दूसरा, कोड़ेमार होली कहाँ मनाई जाती है, बिनायक मनाई जाती है। कोड़ेमार होली में जो कोड़े हैं वो किसके बने होते हैं, रस्से के बने होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दूल्हे की बारात के साथ ही मुर्दे की शव यात्रा, ये भी होली से संबंधित क्वेश्चन है। दूल्हे की बारात के साथ ही मुर्दे की शव यात्रा जैसी अनूठी होली राजस्थान के किस क्षेत्र में खेली जाती है। अभी हमने बात की थी कि ये जयपुर में जन्म, मरण और पर, देखो तीन शब्द है, एक है जन्म, एक है मरण और एक है पर, तीनों अलग अलग चीज है। जन्म का मतलब होता है जन्म, एक तो जन्म दर्शाया जाता है। अब जन्म किसका दर्शाया जाता है, पोते का, जिसको पौत्र बोलते हैं। मरण पिता और परण बेटे का, मतलब ये ऐसी होली है जो जयपुर मनाई जाती है, जन्म मरण परण, जिसमें पिता की अर्थी, बेटे की बारात और पुत्र का जन्म दर्शाया जाता है। जयपुर में मनाई जाती है जन्म मरण और परण की होली। इसके अलावा ये जो होली है जहाँ का दूल्हे की बारात के साथ ही मुर्दे की शव यात्रा, तो इस प्रकार की होली आपके सामने चार ऑप्शन है, मंडावा, संगोद, बिनमाल और रिंगस। तो इसमें ये जो रिंगस है ये सही आंसर है। सिकर में इस प्रकार की होली मनाई जाती है जिसमें मुर्दे की शव यात्रा भी साथ में निकलती है और दूल्हे की बारात भी साथ में निकलती है। मंडावा में गिंदड़ और घेर नृत्य फेमस है। झुंझुनू में मंडावा का स्थित है, झुंझुनू में घेर और घेर नृत्य भी आपको जानते हो, और गिंदड़ नृत्य जो कि शेखावाटी का प्रमुख, गिंदड़ नृत्य क्या है आप लोग, हम कला संस्कृति में पढ़ेंगे, शेखावाटी का प्रमुख नृत्य कौन सा है, गिंदड़ नृत्य। इन दोनों पे 111 साल बाद रोक लगा दी है प्रशासन ने। क्यों लगा दी है उसका रीजन भी आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। कोविड-19, कोरोना वायरस ने कोरोना वायरस के कारण प्रशासन ने इस बार घेर नृत्य और गिंदड़ नृत्य पे मंडावा झुंझुनू में रोक लगा दी है कि आपको इस तरह का आपकी बार नृत्य या ये उत्सव नहीं मनाना है। क्लियर? तो इसका आंसर हो गया रिंगस सिकर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर से, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाएंगे जो कि करंट से संबंधित है। हाँ स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क निर्माण का भारतमाला प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में जो भूमि अवाप्ति को लेकर विवाद चल रहा है, जो प्रोजेक्ट को भूमि अवाप्ति से लेकर के विवाद चल रहा है, अवाप्ति यानी एक्वायर्ड, तो जो एक्विजिशन ऑफ लैंड है उसमें अभी काफी लोग हैं, किसान हैं, वो संघर्ष पे उतर आए हैं। जमीन की जो एक्विजिशन का उनका जो शर्तें हैं किसानों की, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट अभी नहीं चल रहा हो, तो किसानों को लगा कि उनकी जमीन की सही वैल्यू उनको नहीं मिल रही है और ये वन टाइम में एक बार जमीन निकल गई तो उसके बाद इनके पास जमीन नहीं रहेगी। दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर ओन लैंड विच इज गोइंग टू भारतमाला प्रोजेक्ट। तो यहाँ ये प्रश्न ये किया गया है कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू होगा, कब शुरू किया गया, मतलब प्रोजेक्ट कब शुरू हो गया। तो हाल ही में जैसे सड़क निर्माण का ये प्रोजेक्ट है शुरू हुआ, तो इसके ऑप्शंस हमारे पास है 1996, 1998, 2000 और 2002। तो एक सीधा सा अंदाजन हम कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में शुरू हुआ था। तो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट लगभग अगर देखा जाए तो उसमें काफी ऑप्शन आ सकते हैं, जो 98 आ सकता है, 2000 आ सकता है, 2 आ सकता है, तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें ये जो ऑप्शन हमारा 1998 का है ये ऑप्शन सही रहेगा, और सही यही है AB वाजपेयी गवर्नमेंट में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 1998 में, 1998 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। अब ये बताइए कि प्रोजेक्ट है क्या। भारतमाला प्रोजेक्ट एक प्रकार का एक्सप्रेस वे है, ये 6 लेन, ये कैसा एक्सप्रेस वे है, 6 लेन का है, 6 लेन ग्रीन फील्ड, 6 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे होगा। ये बहुत ही शानदार एक्सप्रेस वे होगा, 6 लेन का है और इसके पास पास पूरा ये ग्रीनरी रहेगा, ग्रीन फील्ड बनाया जाएगा। तो अब ये जो 1998 में अगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो अब तक बंद क्यों नहीं गया, काफी साल हो गए, 98 को आज 20 22 22 इयर्स हो गए, लेकिन इसको वापस अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट ने फिर इसको वापस आने के बाद स्टार्ट किया, बीच की गवर्नमेंट ने शायद इसको नहीं किया होगा। तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये कहां से शुरू होके कहां खत्म होता है, ये प्रोजेक्ट मतलब किस शहर से किस शहर को जोड़ता है, उस रास्ते पर मतलब क्या मेन जो इवेंट्स है, क्या मेन जो लोकेशंस पे कोई इंडस्ट्री होगी या कुछ तो उसकी पहचान होगी। तो इसमें मैं ये बता दूंगा कि आपको अमृतसर से ये शुरू होता है और गुजरात के जामनगर तक जाता है, पंजाब के अमृतसर से लेकर के गुजरात के जामनगर तक, यानी कि इन बिटवीन आपके कितने स्टेट आ गए, 4 स्टेट आ जाते हैं, पंजाब हरियाणा राजस्थान और गुजरात, राजस्थान है गुजरात, 4 स्टेट से होके ये जो आपका 6 लेन का ग्रीन फील्ड जो प्रोजेक्ट है, ये आपका जो हाईवे है ये चलेगा। तो ये चार स्टेट जो याद करने लायक है कि किन किन स्टेट से होके ये हमारा जो एक्सप्रेस वे है वो गुजरता है। अच्छा, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट वो ये है कि इस रास्ते में 3 बड़ी जो रिफाइनरीज आती है, 3 बड़ी रिफाइनरी ये रिफाइनरी कौन सी है और कहाँ का स्थित है? तीन रिफाइनरीज आती है। एक रिफाइनरी जो गुजरात के जामनगर में है, उससे पहले राजस्थान में पंचपदरा है, और पंजाब में कहाँ है? बठिंडा। पंजाब में बठिंडा में। तो ये तीन रिफाइनरी जो इसके रास्ते में या इसी हाईवे पर है, तो ये इस हिसाब से भी ये हाईवे आपका जो एक्सप्रेस वे है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको जो डेवलप कौन कर रहा है? NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट ये प्रोजेक्ट है और इसको डेवलप कर रहा है NHAI। NHAI की फुल फॉर्म क्या है? देखो स्टूडेंट, NHAI की फुल फॉर्म आप, मुझे लगता है कि आपको आती होगी क्योंकि ये काफी वेल नोन टर्म है। NHDP और NHAI से कंफ्यूज मत होइए। ये एक प्रोजेक्ट का नाम है, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट इस पे काम कर रहा है और ये NHAI के अंडर में काम होता है। ये दोनों ही जिस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है वो आपकी रोड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इस मिनिस्ट्री के अंडर में ये दोनों आती है। NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये आपका बी ऑप्शन होगा 1998। तो इस प्रोजेक्ट में अगर देखा जाए कि और क्या जानकारी आपको हम दे सकते हैं, तो वो ये है कि क्या ये प्रोजेक्ट अमृतसर से चल के जामनगर तक जाएगा या और भी इसका एरिया है। तो नॉर्थ इंडिया में आइए, नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर JNK, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, यूपी, ये तीन स्टेट से ये हाईवे और निकलेगा। तीन स्टेट के बाद फिर आपका तराई क्षेत्र आता है जो हिमालय के पैरेलल में है, पैरेलल टू हिमालय तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र मतलब कि हिमालय, ये जो दो स्टेट है आपका यूपी एंड बिहार, दो स्टेट का जो हिमालय वाला जो भाग है, हिमालय वाला तराई वाला भाग, वहां से ये निकलेगा। उसके आगे देखिए, आगे आपका वेस्ट बंगाल आ गया, सिक्किम आ गया, सिक्किम के बाद आसाम, आसाम से चल के आगे अरुणाचल प्रदेश, AP, यहां से गुजरते हुए फिर ये इंडो म्यांमार जो बॉर्डर से होते हुए, ये बॉर्डर किसका? मणिपुर और मिजोरम स्टेट का, मणिपुर और मिजोरम स्टेट का ये बॉर्डर बनाता है म्यांमार से, इंडो म्यांमार बॉर्डर। तो ये इतना, मतलब इसका मेन जो टारगेट है भारतमाला प्रोजेक्ट का, तो देश के जो रिमोट एरिया है, जो ग्रामीण का, जो ट्राइबल एरिया पिछड़ा है, उसको मुख्य धारा में शामिल करना। तो उस देश का अगर डेवलपमेंट करना है तो उनको मुख्य धारा में लेना भी जरूरी है। तो स्टिल दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो इसलिए वाजपेयी गवर्नमेंट में इसको गहनता से आगे लिया गया, उस प्रोजेक्ट को उसमें लॉन्च किया गया। तो ये देखिए कि यहाँ आपने देखा जम्मू कश्मीर ऊपर से, जम्मू कश्मीर से होते हुए पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट में गया, नॉर्थ ईस्ट पूरा ईस्ट में गया, ईस्ट के बाद में वापस नीचे आया और मिजोरम जो इंडो म्यांमार की सीमा तक वहां खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये हो कि एक दृष्टि देखा तो पूरा जो वो रिमोट एरिया है उसी के लिए ये हाईवेज बन रहा है। तो किसानों की मांगें जरूर जल्द पूरी कर दी जाएगी, क्योंकि ये जो भारत सरकार का जो आबादी का प्रोग्राम है तो इसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ जरूर है, किसी की जो डिमांड है तो वो फुलफिल जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट जो सवाल है स्टूडेंट देखिए, बेलगोरोड वर्तमान में सुर्खियों में क्यों है? बेलगोरोड जो है वो नाम है सुर्खियों में क्यों है? बेलगोरोड, इसके ऑप्शंस पढ़िए। यह चीन का शहर है जहां से कोरोना वायरस फैला था, लेकिन कोरोना वायरस तो बेलगोरोड पे तो था नहीं, क्यों चीन का बेलगोरोड से इस शब्द के अनुसार तो कोई लगता नहीं है कि ये वो शहर है जहां से कोरोना वायरस, जिसको अपन कोविड-19 कहते हैं, कोविड-19 COVID कोविड-19, लेकिन कोविड-19 या इसको दूसरा नाम ये भी कहते हैं NCoV-19 नोवेल कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस। इस वायरस की दोस्तों आजकल हमारे मोबाइल में, हम जब मोबाइल से किसी को कॉल करते हैं तो उससे पहले यही समाचार मिलता है, नहीं मिलता क्या? तो यही चीज़ जो आपको अवेयर कर रही है कि कोरोना अगर वायरस है तो हम इसमें इससे कैसे बच सकते हैं। देखो, बचाव ही इलाज है, एक ऐसा वायरस जनित रोग है इसका कोई इलाज नहीं है, बचाव ही इलाज है। तो यानी जो ये सीधा जो सर्दी और जुकाम से शुरू होता है और उसके बाद लंग्स या सांस लेने को दिक्कत करके और आदमी को ख़त्म कर देता है, तो अभी भी ये जानलेवा है, इसकी अभी कोई वैक्सीन या कोई दवाई नहीं बनी है। अब ठीक है, लोग कहते हैं कि घर में जो हॉट प्लेसेस हैं वहाँ पे ये असर नहीं करता है, कोई पैरासीटामोल से भी बता रहे ठीक है, लेकिन पैरासीटामोल सिर्फ सर्दी जुकाम को ठीक करता है, कोरोना को ठीक नहीं करता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कोरोना वायरस आप कह रहे हैं कि वो बेलगोरोड से शुरू हुआ चीन में, नहीं, ये चीन में एक हुबई स्टेट है और हुबई के अंदर जो शहर है वो है वुहान। हुबई में वुहान शहर से ये आपका फैला है। वुहान शहर में इसके सबसे पहला केस पाया गया था। दूसरा ऑप्शन है रूसी नेवी, रशियन नेवी। रूसी नेवी का क्या है कि विश्व की सबसे लंबी पनडुब्बी है, पनडुब्बी सबमरीन, सबमरीन वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सबमरीन ऑफ रशियन नेवी। ये ऑप्शन है आपका दूसरा, रूसी नेवी की सबसे विश्व की सबसे लंबी पनडुब्बी है। ये पनडुब्बी इतनी क्षमता की बताई जाती है कि ये एक पूरे शहर को तबाह कर सकती है। तो आगे तीसरा ऑप्शन बताया जा रहा है कि ब्रिटेन का अंडर वाटर ड्रोन है। तो ये जो ब्रिटेन का अंडर वाटर ड्रोन है, अभी देखिए ये भी बहुत ताकतवर, सबसे बड़ा ताकतवर जो ड्रोन है वो ब्रिटेन अभी बनाने जा रहा है। ब्रिटेन ने इस पे काम शुरू कर दिया है और लगभग खत्म भी हो सकता है, कर लिया है, और इसको कभी भी इसका प्रैक्टिकल हो सकता है। तो इसके बारे में थोड़ी ये जानकारी बताते हैं कि ये 100 फीट सरफेस से वाटर में मार कर सकता है। दूसरा ये कि पानी के अंदर ये 3 मंथ्स तक एक्टिव रहता है, पानी के अंदर 3 मंथ्स तक एक्टिव रहता है। और जो सामान्य दूसरी जो आपकी सबमरीन है, पनडुब्बी है, उन्हीं की तरह ये गश्त कर सकती है। ये इन खूबियों के साथ, इनके अलावा ये इसकी मार क्षमता बहुत तेज है और ये काफ़ी दूरी तक मार करती है। तो इसकी कीमत इन्होंने एस्टिमेट लगाया है, तो वो है 16,000 करोड़, 16,000 करोड़ इसकी जो कीमत आएगी अगर किसी को खरीदनी है। तो ये क्या, ये जो आपको इसका नाम जो बेलगोरोड है, जो आपका अंडर वाटर ड्रोन ब्रिटेन बना रहा है, क्या वो बेलगोरोड है? चौथा ऑप्शन है अमेरिका का अंतरिक्ष यान, स्पेस शटल। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका सबमरीन ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सबमरीन ऑफ रशियन नेवी। रशियन नेवी का वर्ल्ड का सबसे जो लंबी पनडुब्बी है वही, उसी का नाम है बेलगोरोड। और जैसे लग रहा था कि नाम से भी कोई रशियन नाम ही दिख रहा था, मुझे तो यही दिख रहा था, आप लोगों को क्या दिख रहा था? आपको नहीं लगा कि ये रशियन से ही? अगर तुक्का मारे तो भी शायद यहाँ सटीक बैठ जाए, तुक्का अपने को नहीं मारना है, मेहनत करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? किस खिलाड़ी को हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद, ये हॉकी इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसको बच्चों याद रखना ही चाहिए। लाइफ टाइम अचीव अवार्ड, ये मतलब इस पूरे करियर का अचीवमेंट अवार्ड है हॉकी। अगर आप हॉकी खेलते हैं तो हॉकी खेलते खेलते दौरान आपने वाकई आपका अचीवमेंट अगर बेटर है, ऐसे खिलाड़ी को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इनमें से एक नाम है मनप्रीत सिंह, एक रानी रामपाल है, एक हरविंदर सिंह है और एक मनदीप सिंह है। नाम से तो सारे पंजाबी खिलाड़ी लगते हैं, जैसे कि ये दो खिलाड़ी है, ये कैप्टन है वर्तमान इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन। तो मनप्रीत सिंह ये मेंस हॉकी के कैप्टन है, वहीं रानी जो रामपाल है ये वुमन हॉकी की कैप्टन है। और इनको ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर ध्रुव बत्रा जो प्लेयर, मतलब बेस्ट प्लेयर का इनको अवार्ड मिला है। ध्रुव बत्रा के नाम से जो प्लेयर जो अवार्ड है वो अवार्डेड होता है। तो मनप्रीत सिंह ये आपके कैप्टन है मेंस हॉकी के, जिनको ध्रुव बत्रा जो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है। रानी रामपाल वुमेन हॉकी के कैप्टन है, इनको भी यही पुरस्कार मिला है। तो दो तो इस पुरस्कार में चले गए। अब दो बचे हैं हरविंदर सिंह और मनदीप सिंह। तो इनमें आपको मेजर ध्यानचंद जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है यह हरविंदर सिंह को मिला है। इसमें आपका ऑप्शन रहेगा सी। अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न है कौन सी खेल स्पर्धा लॉन टेनिस से संबद्ध नहीं है? मतलब तीन लॉन टेनिस से जुड़ी हुई है लेकिन चौथी लॉन टेनिस से जुड़ी नहीं है। इनमें से आपको वो जो गलत है, जो लॉन टेनिस से लिंक्ड नहीं है, उससे एसोसिएटेड नहीं है, उससे संबद्ध नहीं है, दैट ऑप्शन हैज टू बी चोजन। तो वो ऑप्शन आपको चूज करना है जो लॉन टेनिस से संबद्ध नहीं है। लॉन टेनिस LT। हाँ, लॉन टेनिस प्रश्न पूछा है, लॉन टेनिस संबंध नहीं है। इसमें एक है फेड कप, दूसरा डेविस कप, तीसरा रोजर्स कप एंड चौथा ब्राउन कप। जहां तक मैं फेड कप के बारे में जानता हूं फेड कप आई थिंक 1961 में ये आपका लॉन्च हुआ, जो आपकी ITF जो आपका टेनिस फेडरेशन है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसकी 50वीं बरसी पर फेड कप लॉन्च हुआ। फेड कप ये कप वुमन के लिए, ये कप वुमन लॉन टेनिस के लिए, वुमन LT। तो ये तो LT है, ये तो लॉन टेनिस का एक कप है। तो फेड कप महिलाओं के लिए है। दूसरा जो कप आ रहा है वो आपका है डेविस कप। डेविस कप की जो लॉन्चिंग हुई वो 1900 में, 1900। इसको भी आज 120 साल हो गए, 120 साल पुराना डेविस कप है। यानी इन दोनों में पुराना अगर देखा जाए तो डेफिनेटली आपका डेविस कप है। डेविस कप आपका मेंस लॉन टेनिस, ये आपका मेंस लॉन टेनिस आपका जो टूर्नामेंट है, ये सारे प्रीमियर है, प्रीमियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, टीम इवेंट है, प्रीमियर इंटरनेशनल टीम इवेंट है, ये सारे प्रीमियर है। तो अब जो फेड कप महिलाओं के लिए, डेविस कप आपका मेंस यानी कि पुरुषों के लिए, ये 120 साल हो गया एस्टेब्लिशमेंट, 1961 हुआ। अब तीसरा जो आप देख रहे हो वो है रोजर्स कप। रोजर्स कप कहां का है? फेड कप का एस्टेब्लिशमेंट देखो, आई थिंक, क्योंकि रोजर्स कप का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 1881 को हुआ है, यानी इसको टोटल अभी 139 इयर्स हो गए। कितने साल हो गए? 139 साल का। इसका मतलब रोजर्स कप जो है लॉन टेनिस का 1963, हाँ 63 है। तो बच्चों अभी भी टाइम है। हमें लगा था कि क्यों ये 1881 का अगर रोजर्स कप है तो ये 1 तो पीछे नहीं आता, इसलिए 1963 में आपका फेड कप लॉन्च हुआ। आईटीएफ, इस आईटीएफ की फुल फॉर्म क्या है? आईटीएफ है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जो आपका टेनिस संघ है, जो यही सारे ये जो आपके प्रीमियर गेम जो करवाते हैं, जो आपका विंबलडन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, एवरी जो काइंड ऑफ जो प्रीमियर जो टूर्नामेंट है वो आईटीएफ करवाता है। तो इसकी 50वीं बरसी पे ये कह रहे हैं कि 1963 में फेड कप अस्तित्व में आया। 1900 में आपका डेविस कप अस्तित्व में आया। रोजर्स कप आपका 1881, यानी बहुत पुराना है रोजर्स कप, लेकिन है कहां का? रोजर्स कप कहां का है? तो रोजर्स कप है ये आपका ये भी पुरुष का है, मैन का है, और है कनाडा। इसको कैनेडियन ओपन भी कहते हैं, कनाडा मास्टर्स भी कहते हैं। रोजर्स कप के 3 नाम होंगे, रोजर्स कप, कैनेडियन ओपन और कनाडा मास्टर्स। ये 3 नाम वाला रोजर्स कप है और मेंस टेनिस टूर्नामेंट से रिलेटेड है। तो अब पीछे बचा है त्रावणकोर। तो त्रावणकोर आपका ऑप्शन तो सही है, लेकिन त्रावणकोर कप किस खेल से संबंधित है यह भी मुझे अपने स्टूडेंट को बताना जरूरी है। तो आप दिमाग में कयास लगा रहे होंगे या आपने कहीं पढ़ा होगा कि ये त्रावणकोर कप इंडिया का ही कोई जो टूर्नामेंट है, इंडिया के अंदर ये गेम जो होते हैं, ये टूर्नामेंट त्रावणकोर कप से नाम से जाना जाता है। ये किस स्पोर्ट्स एक्टिविटी, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो ये आपका है, जो भी एक्टिविटी मैं आपको एक संकेत दे सकता हूं कि ये भी आपका वुमन है, वुमन का ये गेम है, जिसमें जो आपका त्रावणकोर कप है ये टीटी का है, टेबल टेनिस। कौन सा गेम है ये आपका टेबल टेनिस का गेम है त्रावणकोर। तो इसमें त्रावणकोर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित, हाँ तो मिस्टर के ये आपके लिए क्वेश्चन है जी सर। तो अभी हम बात कर रहे हैं मेलबर्न, ये ऑस्ट्रेलिया है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित T20 महिला विश्व कप के फाइनल में खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी कौन? अभी हम आप लोगों को पता होगा कि भारतीय महिला टीम विश्व कप चल रहा है, उसमें भारतीय महिला टीम फाइनल में पहुंच गई थी। पहला जो फाइनल हुआ था, पहला जो मैच हुआ था भारत का, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही हुआ था। ध्यान रखना ये भी एक नया रिकॉर्ड है कि फर्स्ट मतलब जो टीमें खेली थी भारत और ऑस्ट्रेलिया, उनका ही फाइनल आया था अंत में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। पहला मैच भारत जीत गया था। ऐसे करते करते भारत पहली बार भारत फाइनल में पहुंच गया था। उसमें इस पूरे क्रिकेट टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ा जो नाम अपने भारत की तरफ से जो नाम रहा है सुर्खियों में, वो रहा है शेफाली वर्मा। किसका नाम रहा है? शेफाली। क्यों रहा है? देखो नंबर 1, इसको हमारे भारतीयों ने संज्ञा दे दी है महिला टीम का सेवा, महिला टीम की सेवा, इसको वीरेंद्र सहवाग की संज्ञा दी है। क्यों दी है? क्योंकि ये बहुत तेज तरार खिलाड़ी है। और दूसरा बात ये है, इस लेडी के बारे में आप लोगों ने अभी ये काफी सुर्खियों में नहीं है। पहले तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित T20 महिला विश्व कप के फाइनल में खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? नंबर 1 लिखा है सकाना क्विंटिन, नंबर 2 लिखा है शेफाली वर्मा, नंबर 3 है शिखा पांडे और नंबर D है मेघन सट। तो इसका सही जो आंसर है वो है शेफाली वर्मा, कारण कि शेफाली वर्मा की जो एज है वो 16 ईयर, कितनी है ये 16 साल और 40 दिन की है। पहली बात। दूसरी बात, शेफाली वर्मा का जो संबंध है इसको कैसे भी पूछा जा सकता है, ये हरियाणा स्टेट से है, रोहतक से, हरियाणा से कहाँ से, रोहतक से। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात कि शेफाली वर्मा ने अपना डेब्यू कहाँ से किया था? इनका जो पहला T20 डेब्यू था, T20 डेब्यू इसके साथ हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ। तो शेफाली वर्मा के बारे में सारी बातें याद रखनी है। नंबर 1 कि शेफाली वर्मा विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी थी जो अभी 2020 वाला जो T20 वर्ल्ड कप में महिलाओं का उसमें खेलने वाली ये सबसे युवा खिलाड़ी थी। दूसरी बात, इसका संबंध हरियाणा से, रोहतक से, और तीसरा ये इनके डेब्यू में साउथ अफ्रीका के साथ इन्होंने डेब्यू किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। राव की घेर जोधपुर स्थित मंडोर की एक विशिष्ट पहचान है जिसका आयोजन चंग की थाप पर होली के त्योहार पर किया जाता है। किस विशेष समुदाय के लोगों द्वारा राव की घेर खेली जाती है? पहला क्वेश्चन तो अपना यही समझ आता है कि राव की घेर मनाई कहा जाती है। राव की घेर जोधपुर स्थित मंडोर में है, मंडोर की है पहचान है कि यहाँ पे राव की घेर मनाई जाती है। दूसरी बात, ये मालियों द्वारा, माली समाज द्वारा ये घेर का आयोजन होता है। ये अपने क्वेश्चन में यही लिखा है। देखो कि राव की घेर जोधपुर स्थित मंडोर की एक विशिष्ट पहचान है, तो पहला तो आंसर अपना एक सवाल यही से बन जाता है कि राव की घेर कहाँ पे आयोजित होती है? जोधपुर में। जोधपुर में कहाँ से? मंडोर से, जिसका आयोजन चंग की थाप पर होली के त्योहार पर किया जाता है। किस विशेष समुदाय के लोगों द्वारा राव की घेर खेली जाती है? तो इसका जो सही आंसर है, देखो भील समाज द्वारा, भील समाज का मुख्य नृत्य है घेर, लेकिन ये जोधपुर की बात कर रहा है तो ये नहीं हो सकता। नंबर 2 है माली समाज द्वारा, तो माली समाज द्वारा यही अपना आंसर है। बिश्नोई समाज, जाट समाज, ये इससे रिलेटिव नहीं है। जोधपुर मंडोर में माली समाज सर्वाधिक गिरता है और यही इनके द्वारा ही ये राव की घेर का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? मंडोर में। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में नासा और एपी के बीच विवाद। नासा और एपी इनके बीच हाल ही में न्यूज में देखा कि एक किसी छोटी सी बात को लेकर के जो डिस्प्यूट हुआ है, तो वो डिस्प्यूट इनमें से किस प्लैनेट को लेकर हुआ है? इन्होंने जो बड़ी एजेंसी है नासा, जो यूएस की, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, नासा इज ए स्पेस एजेंसी ऑफ यूएस, और दूसरा है एपी। एपी आपका है एसोसिएटेड प्रेस, ये एक मीडिया हाउस है, एसोसिएटेड प्रेस। तो एसोसिएटेड प्रेस और नासा इतनी बड़ी एजेंसी है, नासा एक स्पेस एजेंसी है। क्या है? स्पेस एजेंसी। और आपको पता है कि स्पेस एजेंसी का क्या काम है। एक तो नासा वर्ल्ड की जो भी स्पेस एजेंसी है उसके साथ कोऑपरेट करती है, अपने ही देश के जितने जो स्पेस के जो प्रोग्राम्स हैं उनको प्लान करना, उनको एग्जीक्यूट करना, उनको डेवलप करना, ये नासा का काम है। तो नासा अपने आप में बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ी एजेंसी है, लेकिन एक छोटी सी बात पे इन दोनों के बीच विवाद हो गया। छोटी सी बात से लेकर के दोनों के बीच वर्सेस वो छोटी सी बात क्या कौन सा प्लान है सूर्य, मतलब एक नाम को लेके किसी का फर्स्ट नाम का जो फर्स्ट लेटर कि पहला लेटर एक कह रहा है कि स्मॉल होना चाहिए और एक कह रहा है कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल और एक कह रहा है स्मॉल होना चाहिए। तो एसोसिएटेड प्रेस ये कह रहा है कि हम अपने न्यूज में भी वो पर्टिकुलर प्लैनेट में बता देता हूं मून है, पर्टिकुलर प्लैनेट आपका मून है, तो ये एसोसिएटेड प्रेस करे कि हम इसको स्मॉल एम में लिखते हैं। नासा कह रहा है कि वी आर यूजिंग इट इन कैपिटल लेटर्स। तो ये दोनों विवाद जो चल रहा है यूएस में, अब इनका किसका फाइनल रहेगा अभी कुछ कह नहीं सकते। तो इसी से रिलेटेड एक प्रश्न जो हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कैग ने कैग क्या है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG कैग, हाल ही में कैग ने किस विषय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? क्या वो रिपोर्ट कोरोना वायरस पे, रिपोर्ट राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम 2000 पर है, यस बैंक के घोटालों पे है या सरकारी गतिविधियों पे है? तो कैग का काम क्या होता है कि केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार, यूनियन टेरिटरी की सरकार के जो लेखाओं का जो जांच करना, ऑडिट करना, ये काम होता है कैग का। तो कैग भी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और इसका जो कैग की जो नियुक्ति होती है इसका फुल फॉर्म है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब जैसे नाम से इंडिकेट होता है कि ये ऑडिट करना इनका काम है। तो यहां इसका ऑप्शन आपका रहेगा B, राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम 2000 पर इन्होंने अपनी हाल ही में रिपोर्ट दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राजस्थान में दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है DMIC, इसको बंद कर किस विभाग को यह कार्य सौंप दिया? अब ये DMIC कि शिथिलता की वजह से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा। तो ये प्रोजेक्ट है जो दिल्ली से लेके मुंबई तक और इन बिटवीन जो भी स्टेट्स आते हैं उनके बीच इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल जोन्स डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल जोन डेवलप करने का इनको जिम्मा सौंपा रहा और उस जिम्मे में ये नाकाम रहे। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इसको बंद करके और इसी के कार्य को किसी और महकमे को, किसी और विभाग को काम दे दिया। तो वो विभाग कौन सा हो सकता है, RSMDC, RSRTC, रिको या राजपेट? तो जहां तक DMIC का जो काम है तो ये काम रिको को दे दिया गया। रिको क्या है, रिको की पृष्ठभूमि में जाके देखें तो रिको एग्जिस्टेंस में कैसे आया? तो ये जो पहली चीज है कि आपका सितंबर 1969 को एक RSIMDC राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड माइंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एक निगम की स्थापना हुई 1969 में। ये आपका जो कॉर्पोरेशन है फर्दर 1 जनवरी 1980 को दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, टूट गया या अलग कर दिया गया। उसमें एक था RSMDC और दूसरा है रिको। तो रिको का जो वर्तमान नाम, यूं तो रिको आपका 1969 से काम कर रहा है, यूं तो रिको आपका 1969 से रिको के काम हो रहे हैं, लेकिन इसका जो नामकरण हुआ वो 1 जनवरी 1980 को हुआ। तो ये डिपेंड करता है कि आपको प्रश्न किस रूप में पूछा जाता है, प्रश्न क्या इसके नाम से संबंधित पूछे तो 1 जनवरी 1980 है और ये रिको का काम है या रिको जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एस्टेब्लिश हुआ है वो 1969 हुआ। तो ये आपको देखना है, आपको अपने विवेक से, जानकारी आपके सामने है। ये माइंस से रिलेटेड जो विभाग है, इसको माइंस के चैप्टर में या माइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा वहां देखेंगे। यहाँ अभी हम थोड़ा रीको के बारे में देखें कि रीको की फंक्शनिंग क्या है। रीको देखो, रीको का काम है आपका साइट सिलेक्शन, मतलब कहाँ इंडस्ट्रियल जोन डेवलप करना है उस साइट का सिलेक्शन करना रीको का काम है। उसके अलावा जब साइट सेलेक्ट कर दी तो लैंड को एक्वायर करना, लैंड एक्विजिशन। साइट सिलेक्शन हो गई है तो लैंड को एक्वायर करना, लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रोड की सुविधा है, जो पानी की सुविधा है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन की सुविधा है, जो सीवरेज की सुविधा है, दैट ऑल कम्स अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेट हो गया। उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये रीको के मेजर वर्क है या मेजर फंक्शंस है। रीको के मुख्य कार्य आपको समझना जरूरी है। कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं है कि कोई चीज अगर बन गई है और बच्चों आपको समझ में ना आए, ठीक है। धैर्य से अगर किसी कोर्स को आप करोगे और एक बार समझ लोगे तो ये कोई भूलने लायक भी चीज नहीं है। तो ये आपका हो गया डीएमआईसी। डीएमआईसी जो आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है, ये आपका यहां तो रीको में तब्दील हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राजस्थान विधानसभा में एक बिल पास हुआ है, एक बिल पास हुआ है और वो बिल है एडवोकेट वेलफेयर फंड अमेंडमेंट बिल। ये अभी 2020 में ही हुआ है, ये बिल आपका 2020 में हुआ है। एडवोकेट वेलफेयर जो फंड अमेंडमेंट बिल है, जिसको आप हिंदी में पढ़ सकते हैं अधिवक्ता निधि संशोधन विधेयक 2020। तो ये विधेयक जो अभी विधानसभा ने हाल ही में पास किया है, जिसमें किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर परिजनों को मिलने वाली राशि, जिसको बढ़ाकर 2.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, ऑन द डेथ ऑफ एन एडवोकेट, जो राशि परिवारजनों को एक आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए जो इस बिल संशोधित बिल के तहत दी जाएगी, वो राशि क्या है वो इसमें पूछा गया है। तो पहले तौर से अगर आप समझे तो ये एडवोकेट वेलफेयर फंड अमेंडमेंट एक्ट है, ये तो 2020 में आया, लेकिन ये वाकई ये जो आपका एक्ट है वो कब का है? जो ये तो संशोधन है, ये एक तरह का संशोधित बिल आया है, लेकिन जिसमें संशोधन हुआ है वो आपका 1987 का है। 1987 का जो बिल है या जो एक्ट है, उस एक्ट के अंदर ये आपका एक संशोधन किया गया है। हाल ही में विधानसभा ने, राजस्थान विधानसभा ने 1987 के एक्ट को अमेंड करके नया बिल पास किया है। अब इस बिल के तहत आपको देखना है कि जो 2.5 लाख रुपए से बढ़ा के नई जो आर्थिक संबल देने वाली जो राशि है, ऑन द डेथ ऑफ एडवोकेट की मृत्यु पर, अधिवक्ता की मृत्यु होने की स्थिति में वो राशि क्या है? 5 लाख है, 6 लाख है, 7 लाख है या 8 लाख है? तो इसमें आपका 8 लाख वाला ऑप्शन सही रहेगा। 2.5 से बढ़ा के 8 लाख कर दिया है। अब इसमें कुछ, इस बिल के अंदर कुछ और भी बातें हैं, उनमें कुछ मैं हाईलाइट करके आपको बता देता हूं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। एक तो ये था कि जो मेंबरशिप फी, जो सदस्यता शुल्क है एडवोकेट, ये बार एडवोकेट पर है, वकीलों पे है। ये पहले था 17,500 जो अभी बढ़ के कितना हो गया है 1 लाख, 1 लाख हो गया दोस्तों वकीलों से ही ये जो राशि निकल रही है। अब इसके अलावा जो बीमारी देखिए, अगर सामान्य बीमारी है क्या है, सामान्य बीमारी की स्थिति में जो पहले 40,000 राशि दी जाती थी वो भी आपकी 1 लाख हो गई। जो राशि 40 लाख दी जाती थी सामान्य बीमारी में वो राशि भी आपकी 1 लाख कर दी गई। एक और संशोधन किया गया है गंभीर बीमारी में, गंभीर अगर बीमारी हो तो उस बीमारी में गंभीर बीमारी के केस में क्या किया गया कि जो राशि पहले से 87 वाले एक्ट में 1 लाख थी जो अभी बढ़ा के हो गई 3 लाख, तो 1 से 3 लाख ये बढ़ गई। एक और जो परिवर्तन किया गया पेंशन की स्लैब्स में, पेंशन स्लैब्स, पेंशन स्लैब में क्या परिवर्तन किया गया, जिन एडवोकेट की सर्विस 40 इयर्स एंड एबो, 40 साल और से ज्यादा की जिन एडवोकेट्स की सर्विस हो गई, जिनकी सेवा का जो काल है वो 40 सालों से ऊपर हो गया, दे कैन गेट पेंशन ऑफ 15 लाख, 15 लाख की पेंशन उनको मिलेगी। कितनी मिलेगी? 15 लाख। तो ये है आपका वेलफेयर फंड, वकीलों की कल्याण के लिए निधि है। ये क्या है? वकीलों के कल्याण के लिए निधि है। अधिवक्ता, इसको आप कल्याण निधि कह सकते हैं, अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक है ये, तो वेलफेयर फंड है ये। तो हो सकता है ये टाइपिस्ट ने मिस्टेक की होगी। हाँ, कल्याण निधि, अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2020 जो पारित किया विधानसभा ने, क्योंकि हम वी आर राइटिंग इट एज एडवोकेट्स वेलफेयर फंड अमेंडमेंट बिल। तो ये बिल जो पेश हुआ है, बिल पास हो गया, देन इट बिकम्स एक्ट, मतलब ये कानून बन गया। जब प्रोसीडिंग में होता है किसी असेंबली या पार्लियामेंट में कोई भी जब बिल पेश किया जाता है, उस पर चर्चा होती है, उस पर वोटिंग होती है, उसके बाद जो पास होता है और सिग्नेचर हो जाते हैं गवर्नर के या प्रेसिडेंट के, तो उसके बाद वो एक्ट आपका कानून बन जाता है। ये पॉलिटी का जो पार्ट है, और आई थिंक आपने पॉलिटी के सब्जेक्ट में इस चीज़ को पढ़ा होगा, या फिर आप डे टू डे जो आपकी लाइफ में न्यूज़पेपर के जरिए ये चीज़ें आपके कानों तक पहुँचती होगी। तो यही चीज हम देख रहे थे। तो ये मोटी मोटी बातें हमने बता दी कि एक तो आपको रखना है कि पेंशन स्लेब बदला है और 40 इयर्स और से वो की जो सर्विस दे चुका है एडवोकेट उसको 15 लाख का पेंशन मिलेगा। उसके अलावा मेंबरशिप जो 17,500 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया। उसके अलावा जो सामान्य बीमारी में जो पहले 40,000 रुपये दिए जाते थे वो 1 लाख हो गए, और गंभीर बीमारी में वही पैसा 1 लाख जो दिया जाता है वो 3 लाख हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि अधिवक्ता की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि, वो राशि जो पहले 2.5 लाख थी उसको बढ़ा के 8 लाख कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर मेट्रो हेतु लिए गए निर्णय में कौन सा सही नहीं है? राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिए मेट्रो के लिए, तो मेट्रो को लेके जो डिसीजन किया गया, देखो मेट्रो जहां तक हम जानते हैं कि एक चरण जो पहला पूरा हुआ है, फर्स्ट चरण, हाँ, तो फर्स्ट चरण जो था ये आपका 9.63 किलोमीटर। तो फर्स्ट चरण आपका 2010 से 2014 में कंप्लीट हो गया। 2010 से 2014 तक फर्स्ट चरण आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड चरण विवाद अभी सेकंड चरण पे, उसकी डीपीआर बन गई 2014 में। डीपीआर बोले तो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट गवर्नमेंट ने बना दी। अब गवर्नमेंट बनाने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट बनाई, नई कांग्रेस गवर्नमेंट आई, इस डीपीआर को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब वापस यही चीज आगे आई है, और इसमें हुआ क्या है कि जो आपका दिल्ली मेट्रो है उसकी तरफ से एक तो ये प्रपोजल आया कि आपका 10,000 करोड़ से जो आपका बजट है वो 5,000 करोड़ कर दिया गया, ये आपका सही है। दूसरा है कि नई मेट्रो जो लगेगी उसमें कोच भी 6 से 3 हो गए, 6 से 3 हो गए, यानी कि अभी इसको आप लाइट मेट्रो कह सकते हैं। ये तो काफी हल्की होगी इसलिए इसको लाइट मेट्रो कहो ना, लाइट मतलब हल्का मेट्रो। 6 से कोच 3 हो गए। नई मेट्रो स्टेशन 22 है, इस पे कुछ संशय देखते हैं। हाँ, अजमेरी गेट का रास्ता छोड़ दिया और अशोक मार्ग से बम्बावाड़ी जाएगी। तो जो ये आपका रूट है, ये आपका अम्बावाड़ी से सीतापुरा का है, अम्बावाड़ी से सीतापुरा दुर्गापुरा का रूट है। इस रूट पे ये सेकंड प्रोजेक्ट काम होगा। अच्छा, दूसरा ये है कि इसके अंदर जो स्टेशन है वो सब सारे एलिवेटेड होंगे, एलिवेटेड स्टेशन। एलिवेटेड का मतलब अंडरग्राउंड कोई भी स्टेशन नहीं होगा, सारे स्टेशन ऊपर ही होंगे और वो भी 3 स्टोरी लेवल पे, तीसरी मंजिल पे होंगे। स्टेशन 3 स्टोरी लेवल पे बना दिया और जो स्टेशन का प्लेटफॉर्म का लेवल है वो सिंगल कर दिया। तो ये वो प्रॉपर्टीज है या ये वो आपके नए डिसीजंस लिए गए हैं, लेकिन इसमें अपने को एक सही आंसर चुनना है। तो ये बी सही है, चौथा बी भी सही है, ए भी सही है, इसका मतलब यहाँ गड़बड़ है। मेट्रो स्टेशन है आपके 22 नहीं होकर के 20 हो गए। मेट्रो स्टेशन कितने हैं? 22 नहीं है, 20 है। अगला क्वेश्चन देखिए, शाहजहां की कब्र परिसर में दारा शिकोह की 360 वर्ष पुरानी बिना सिर की कब्र का पता लगा रही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यानी कि इसको आप कहते हैं पुरातत्व सर्वेक्षण। क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इट इज व्हाट? इट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको आप शॉर्ट में ASI कह सकते हैं। शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे? ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो ASI ये बहुत ही पुराना सर्वेक्षण, जिसकी स्थापना 1861 में 1857 क्रांति हुई, 1857 का जब संग्राम हुआ, उसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन ने अपने हाथ में शासन ले लिया, उस दौरान अगर आपको इसको याद रखना है तो आप उससे लिंक कर सकते हो कि ASI जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसकी स्थापना कब हुई। देखो, दयाराम साहनी आपने नाम सुना होगा। तो उस समय ये जो उत्खनन का काम है, ये इनका काम है। ये विभाग क्या करता है? उत्खनन का काम होता है। उत्खनन यानी कि जो ओल्ड हेरिटेज है, जो ओल्ड मोन्यूमेंट्स है, या जो कोई भी ओल्ड जो सिविलाइजेशन है, उनका पता लगाना इस पुरातत्व विभाग का काम है। ये विभाग किस मंत्रालय के अंदर काम करता है, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी कि भारतीय संस्कृति का जो विभाग है, संस्कृति विभाग के अंदर ये आपका जो सर्वेक्षण है वो काम करता है। तो इसके बारे में जब यहाँ कुछ कहा गया है, ऑप्शन दे रखे हैं कि इससे संबंध में, सर्वेक्षण संबंध में गलत कथन क्या है। तो ASI की स्थापना का वर्ष 1861 है, तो ये हमने सही लिखा है। ASI के प्रथम अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम है, ये भी सही है। पहले अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे। इसके अलावा इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो टीजे अलोन है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? TJ अलोन है, ये भी सही है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन आपका गलत है। ASI भारत सरकार के संचार और सूचना तकनीक मंत्रालय के अधीन काम करता है? नहीं, ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय। भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है, उसके अधीन पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग काम करता है। ये आपको अच्छी तरह से माइंड में याद रखना है। तो अब बात ये थी कि शाहजहां की कब्र परिसर में दारा शिकोह की जो 360 वर्ष पुरानी बिना सिर की कब्र, सिर कहां गया? और दारा शिकोह कौन है? दारा शिकोह शाहजहां के पुत्र ही थे। जिस तरह औरंगजेब थे, लाइक दैट दारा शिकोह भी उनके पुत्र थे। लेकिन दारा शिकोह ने, जैसे कि उपनिषदों का है, पुराणों का है, जो काफी जो हिंदू एपिक्स है, उनका ट्रांसलेशन है वो संस्कृत से पारसी में किया। किस भाषा में किया? संस्कृत टू काशी। तो ये तो काफी सेक्युलर निकले। तो औरंगजेब को दिक्कत थी कि ये मेरी जगह ना ले लें, उन्होंने कट्टरपंथियों को उकसाया और इनको बुत परस्त का आरोप लगाया। इन पर क्या आरोप लगाया? बुत परस्त। बुत परस्त कौन होते हैं? बुत परस्त का मतलब होता है स्टैच्यू वर्शिपर। कौन होते हैं? स्टैच्यू वर्शिपर्स, मूर्ति पूजक। जो मूर्ति पूजक होते थे उनको बुत परस्त कहते थे। तो मुगलों की ये पारिभाषिक शब्दावली है। तो ये आरोप कट्टरपंथियों ने लगाया और इनको मौत की सजा दिलवा दी। मौत की सजा ऐसी दिलाई कि इनका सर काट के आगरा भेज दिया गया और धड़ को उसी जगह, उसी परिसर, जो इनके पिता शाहजहां की कब्र है उसी परिसर में इनका धड़ दफना दिया है। तो अभी जो एएसआई है उसी का पता लगा रही है। अब पता कैसे लगाई? इनके पास दो टेक्निक है। एक तो है हैंड एक्सरे टेक्निक। ये एक्सरे इनके पास ऐसी मशीन है जो हाथ से उठा के ले जा सकते हैं और वहां से एक्सरे से देखेंगे कि वाकई स्कल यानी खोपड़ी है कि नहीं है। जिस कब्र के अंदर खोपड़ी नहीं है, एक ऐसी जो आपका एक्सरे स्कैन आ जाता है, तो एक्सरे स्कैन में जब खोपड़ी नहीं है वही तो आपका कब्र दारा शिकोह होगा। और दूसरा, अगर ये टेक्निक काम ना है तो फिर राडार का इस्तेमाल किया जाए, कोई स्पेसिफिक राडार को यूज किया जाएगा। तो ये वो दारा शिकोह है। औरंगजेब ने इनको धोखे से खत्म करवा दिया था। तो ये काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडा के बारे में। एडा का तो आपने नाम सुना ही होगा। क्या है एडा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। हमने अपने जो डेली एक नजर पत्रिका, भास्कर, न्यूज एनालिसिस पे उसी एपिसोड में जो मॉर्निंग को हम आपको पत्रिका और भास्कर के अंदर जो न्यूज हेडिंग्स और उसके अंदर कोई भी जो टॉपिक है जो करंट अफेयर्स के लायक मटेरियल हमें प्रोवाइड करता है, तो हम हमारी टीम उसका पूरे का एक हाईलाइट, एक एब्स्ट्रैक्ट तैयार करके और उसको उसके बैकग्राउंड, उसके पास्ट में परिपेक्ष में हम अपने नोट्स बनाते हैं। वही नोट्स आपको अखबार के टॉपिक के साथ हम समझाते हैं। तो उस समझाइश के बाद एक वीक में जितने जो हमने टॉपिक्स लिए हैं उन पे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, आज ये आपके सामने वही क्वेश्चंस है। हमने पिछले 10 दिनों में जो आपको ये क्वेश्चंस, ये जो आपके टॉपिक्स हमने जिनका एनालिसिस किया, जिनका हमने विश्लेषण किया है पत्र पत्रिकाओं में, उन्हीं का सार है, उन्हीं में से ये क्वेश्चंस हमने निकाले हैं। हाँ, तो अब देखते हैं कि एडा क्या है। एडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि नाम से तो दिख रहा है कि कोई बीमा से संबंधित है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड रेगुलेशन का काम, नियमित करने का काम, एंड डेवलपमेंट यानी विकास करना। डेवलपमेंट अथॉरिटी आपका क्या होता है? प्राधिकरण। अथॉरिटी प्राधिकरण होता है। तो ये वो टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान में रखनी है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी है डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि ये आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम है डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय बीमा नियामक एंड विकास प्राधिकरण। अथॉरिटी को हिंदी में कहेंगे प्राधिकरण। तो ये कुछ शब्द है। इंश्योरेंस बीमा हो गया, रेगुलेशन आपका नियामक हो गया, डेवलपमेंट विकास हो गया, अथॉरिटी आपका प्राधिकरण, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। तो ये आपका है इरडा। अब इरडा के बारे में शॉर्टली आपको ये जानना जरूरी है कि ये वाला अस्तित्व में कब आई और ये करती क्या है। तो एडा का काम है कार बाइक के जो इंश्योरेंस करना। कार है, जो फोर व्हीलर्स है, बाइक जो टू व्हीलर्स है, इनके इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, जैसे इसका नाम यही सजेस्ट करता है कि इंश्योरेंस ही करती है। तो ये पहले बता देता हूं कि ये आपकी एग्जिस्टेंस में जो आई है वो आई है 1999 में ये अस्तित्व आई। उस समय इसका जो हेड ऑफिस था वो आपका हैदराबाद था, लेकिन 2001 में इसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया न्यू दिल्ली। ये इसकी स्टोरी है। तो ये अस्तित्व में आया 1999 यानी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, और न्यू दिल्ली भी 2001 में लाई गई। उस समय भी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी की ही गवर्नमेंट थी। अब ये प्रश्न क्या पूछा है कि जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में कितना जो है परिवर्तन किया गया, कितना बढ़ा गया, कितना कर दिया गया, 12, 12.5, 13, 12.25। तो इसमें 12% तक हमने न्यूज़पेपर में देखा है कि ये 12% तक इन्होंने बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसलपुर पेयजल आपूर्ति परियोजना से जयपुर शहर को जलापूर्ति की जाती है, इस हेतु बीसलपुर बांध टोंक जिले में किस स्थान पर निर्मित है? तो पहले तो मैं ये बनाना चाहता हूं कि बीसलपुर जो डैम है, बीसलपुर ये प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1988-89 में, और यही प्रोजेक्ट जो डैम का जो प्रोजेक्ट है वो 1999 में कंप्लीट हो गया। 1999 में कंप्लीट हो गया। इट टुक हाउ मेनी इयर्स, 10 साल ये, और ये डैम कंप्लीट हो गया। ये जिस रिवर पर, जिस नदी पर ये डैम बना है वो राजस्थान की बनास नदी है, जो जिसमें यूं देखें तो जिसका जो कैचमेंट एरिया है, जिसका जो बेसिन है, जिसका सबसे बड़ा बेसिन है राजस्थान की इस नदी का। दूसरा एक जानकारी होनी चाहिए आपको कि बीसलपुर जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है ये राजस्थान का सबसे बड़ा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, बिकॉज क्योंकि ये 3 डिस्ट्रिक्ट या यूँ समझिए कि 3 जो महानगरों को पेयजल आपूर्ति करवाता है, उनमें कौन कौन है? जयपुर, अजमेर और है टोंक। 3 शहरों को जलापूर्ति करने वाला ये प्रोजेक्ट है और काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये आपका देवली है। देवली में जो देवली आपका टोंक जिले में ही है, और टोंक जिले की ये पेयजल परियोजना है जो दूसरे और शहर जो जयपुर और अजमेर को भी जलापूर्ति करता है। तो ये चीज है, इसमें देख लीजिए कि मैंने एक तो बनास नदी का पूछते हैं, और सबसे बड़ी जो ये वाटर सप्लाई जो प्रोजेक्ट है ये सबसे राजस्थान का सबसे बड़ा है। कहाँ बना है? ये देवली में है। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीसी प्रिया, क्या क्वेश्चन है? लीसी प्रिया, लीसी प्रिया कंगुजम, लीसी प्रिया कंगुजम, लीसी प्रिया कंगुजम। अब इनके संबंध में ये प्रश्न पूछा गया हाल ही में सुर्खियों में, और सबसे पहले ये सुर्खी में आई थी COP25 के द्वारा। COP25 एक जो क्लाइमेट चेंज को लेके कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था, क्लाइमेट चेंज को लेके एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था, और ये कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था मैड्रिड में, जिसमें विश्व के कई देशों ने भाग लिया। तो वहां लीसी प्रिया ने भी भाग लिया। लीसी प्रिया की वहां 21 कंट्रीज से बात, यानी उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात भी हुई, और मीडिया में उस समय वहां ये सुर्खियों में आई। तो पहले हाईलाइट हुई लीसी प्रिया कंगुजम मैड्रिड से, मैड्रिड के COP25 से। तो अभी ये एक तो ये इसमें जो ऑप्शन होगा ये देखिए सी ऑप्शन देखिए, ये मणिपुर की 8 साल की पर्यावरणविद एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है जिसने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सम्मान को लेने से इनकार कर दिया क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनकी बात नहीं मानी, उनकी बात नहीं सुनी। तो क्या बात थी, प्रधानमंत्री ने इनको सम्मान दिया था। सी इंस्पायर्स अस, क्या है सी इंस्पायर्स अस? प्रधानमंत्री का देखो कुछ दिन पहले एक सोशल अकाउंट बंद करने का डिसीजन लिया गया कि मैं अपने सोशल अकाउंट को बंद कर रहा हूं। तो विपक्षी दलों ने ये समझा कि मोदी जी कोई नई चीज नई एक्टिविटी सामने ला रहे हैं। तो वो नई एक्टिविटी ये थी सी इंस्पायर्स अस, यानी इस अकाउंट को मोदी जी ने 7 महिला लेजेंड्स को सौंप दिया और इसका नाम रखा गया सी इंस्पायर्स अस। और इसी के लिए लिसी प्रिया को इनवाइट किया था, लेकिन लिसी प्रिया ने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया क्योंकि प्रधानमंत्री उस लिसी प्रिया के मुताबिक प्रधानमंत्री उनकी सुन नहीं रहे थे, एनवायरमेंट को लेके सुन नहीं रहे थे, इसी वजह से उन्होंने इसको इनकार कर दिया था। तो ये आपका ऑप्शन है कि ये सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने किस सार्वजनिक उपक्रम मतलब जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU सार्वजनिक उपक्रम PSU किस सार्वजनिक उपक्रम को विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट की छूट दी है, हरी झंडी दी, डिसइन्वेस्टमेंट जिसको हिंदी में आप विनिवेश का मतलब वो अपने स्टैक जो अपना हिस्सा है वो बेचने की, स्टैक के बेचने की छूट प्रदान की मोदी गवर्नमेंट ने। तो ये इनमें से कौन PSU है? देखो एक पहला ऑप्शन है IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, सेल एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो देयर आर 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस में आपको उसको हिट करना है जो सही है। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देखिए भारत सरकार ने ये कहा कि नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी उसको छोड़ करके, रिफाइनरी को छोड़ बाकी जो रिफाइनरी है जो BPCL के तहत आती है उनमें एक कोची की है जो कि केरला में स्थित है, कोची केरला की, दूसरी आपकी मुंबई में स्थित है। तो कोची केरला और मुंबई की दोनों रिफाइनरी को शामिल करते हुए BPCL को सेल स्टैक के सेल करने की परमिशन मिल गई। जो स्टैक कितने सेल किए BPCL ने अपने स्टैक सेल करने की परमिशन मिली है 53.29%, 53.29%। ये याद रखने लायक है कि इतने प्रतिशत जो स्टैक को बेचने की या इतने प्रतिशत शेयर है वो अपने हिस्सा वो बेच सकती है पब्लिक को। और दूसरा जो याद रखने लायक चीज है वो है नुमालीगढ़ रिफाइनरी, इसको आउट रखा गया, इसको बाहर रखा गया। कोची और मुंबई की 2 रिफाइनरी जो इसके BPCL की है उनको बेचने का निर्णय लिया गया। तो ये क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब सेल ऑफ स्टैक, सेल ऑफ स्टैक यानी हिस्से को, अपनी हिस्सेदारी को बेचना। तो BPCL एक वो उन 5 BPCL उन 5 PSU में से एक है। इनके साथ साथ और 4 PSU को भी हरी झंडी मिली है तो सेल की। उनमें आपका एक तो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरी है कॉनकोर, ये भी आपने नाम सुना होगा, कॉनकोर काफी पॉपुलर नेम है, ये भी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके 31% स्टैक बेचने की परमिशन मिली है। इसके अलावा और भी दूसरे पीएसयूज है, उनमें एक है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक तो ये है। एक आपका नीपको है, नीपको के कंप्लीट शेयर तो एनटीपीसी को मिल गए। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनी है, तो नीपको कंप्लीट उसको शिफ्ट हो गया, टिहरी ये हो गया, तो ये चार ये हो गए, चार 1 + 4 जो स्टैक जो पीएसयूज है, टोटल 5 पीएसयू को सेल करने की भारत सरकार ने परमिशन दी। उनमें यह आपका बीपीसीएल ऑप्शन रहेगा क्योंकि दूसरी कंपनियों का ऑप्शन यहां नहीं दे रखे। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विनिवेश स्टैक की सेल की परमिशन मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 दिसंबर, 31 अगस्त, 31 अक्टूबर और 30 अक्टूबर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? 31 अक्टूबर। क्या था 31 अक्टूबर का दिन? 31 अक्टूबर को भारत के प्रथम गृह मंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत के यूनिफिकेशन जो रियासतों के एकीकरण के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो पटेल का ये बर्थ एनिवर्सरी है, बर्थडे है, और इनके जन्मदिन की तारीख ही नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। क्योंकि देखो इनका योगदान था देश को यूनाइट करने का, देश को इंटीग्रेट करने का, देश को सिक्योरिटी का बंदोबस्त करने का था। तो यही सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इंडिकेशन होता था, इसी वजह से ये नाम राष्ट्रीय एकता दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पे मनाया जाने लगा। तो ये कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ 2014 में, 2014 में शुरू हुआ, और इसी दिन से एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का ऑर्डर। ये यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो आपकी कंप्लीट हुई थी वो आपका 2018 में कंप्लीट कब हुई? 31, मतलब इसका इनॉग्रेशन कंप्लीट तो 2018 में हो गया, लेकिन 31 अक्टूबर को ही इसको, इस स्टैच्यू का इनॉग्रेट किया गया। उसी दिन को ही नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 2018 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और उसी दिन इसका अनावरण किया गया, इस स्टैच्यू का अनावरण हुआ 31 अक्टूबर 2018। तो ये जो स्टैच्यू है ये कहाँ पे है? ये केवड़िया कॉलोनी है। कौन सी कॉलोनी है? केवड़िया, केवड़िया कॉलोनी, जो ना अहमदाबाद में है, ना सूरत में है, ना ही बड़ौदा में। लेकिन ये अगर मान लिया कि बड़ौदा है, तो बड़ौदा के साउथ ईस्ट में एक केवड़िया कॉलोनी है, केवड़िया कॉलोनी, साउथ ईस्ट की केवड़िया कॉलोनी, जो सरदार सरोवर डैम के सामने है। सरदार सरोवर डैम के सामने है और नर्मदा रिवर पे। बड़ौदा से ये 100 किलोमीटर, सूरत से 150 किलोमीटर। ये वो जगह है केवड़िया कॉलोनी, यहां पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लगाया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कागा का मेला का आयोजन कहाँ होता है? जोधपुर, जैसमेर, नागौर, पाली। तो कागा का मेला जो स्टूडेंट जोधपुर डिवीजन के हैं उनको तो पता है कि कागा का मेला का आयोजन कहाँ होता है। कागा ये जगह है जो इतिहास में शमशान घाट के रूप में इस्तेमाल होती थी। ये पहाड़ी जगह है, जोधपुर के नागौरी गेट में स्थित है। नागौरी गेट ऑफ जोधपुर, जोधपुर के नागौरी गेट में स्थित है। और ये शमशान घाट हुआ करता था, लेकिन वहां यहाँ के जो उस समय के जो शासक थे, उन शासकों ने एक शीतला माता का जो स्टैचू था उसको जूनी मंडी से शिफ्ट कर दिया इन पहाड़ियों में, और लोगों ने वहां मंदिर बना दिया। तो इसका ऑप्शन होगा जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंवला एकादशी। आंवला एकादशी जो हाल ही में अभी गई है, आंवला एकादशी क्या है और इसका आयोजन कब होता है? तो ये अभी फाल्गुन महीने में हुई, फाल्गुन मास की एकादशी। ये आपकी शुक्ल पक्ष की है। किस पक्ष की है? शुक्ल पक्ष, जिन्हें आप चांदनी पक्ष बोलिया करा, ठीक है, क्योंकि होली भी पूर्णिमा के दिन हुए, जो फुल मून के दिन हुए चांदनी पक्ष में हुआ करे। जड़ा आंवला एकादशी जो महिला इसमें इस व्रत को ज्यादा रखती है, छोरे या पुरुष लोग मुझे नहीं लगता कि रखते होंगे, हाँ मैं जरूर रखता हूँ। तो आंवला एकादशी का आयोजन आपका फाल्गुन मास की एकादशी शुक्ल पक्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का है, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग गैस ये एक ऐसी गैस है जिसको आपने सूंघ लिया तो आप हंसते रहोगे, ठीक है ना, हंसते ही रहोगे, ऐसी गैस है जिसमें आपका लाफिंग गैस को आपको समझना है कि ये N2O इसका केमिकल फॉर्मूला है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिरका या विनेगर। सिरका या विनेगर क्या है? सिरका विनेगर हाँ, देखो जो अचार है, मुरब्बे, इनमें ये सिरका विनेगर जो केमिकल यूज होता है, तो काफी खट्टी चीज है और इसका इस्तेमाल होने से उसमें काफी टेस्ट आ जाता है। तो सिरका विनेगर, जैसे ये नाइट्रिक एसिड है जिसको आप HNO3 कहते हो, ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, एसिटिक एसिड CH3COOH और फॉर्मिक एसिड HCOOH। तो फॉर्मिक एसिड जो है, अब जो रंगीन कलर की जो पीली या लाल जो आपकी चींटी होती है, उसकी काटने से जो फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में घुस जाया करें, तो वो फॉर्मिक एसिड तो वो है। तो इन्हें फॉर्मिक एसिड ने भी हिसाब को याद रखो। सल्फ्यूरिक एसिड इन्हें है कोई, नाइट्रिक एसिड कोई नहीं, तो एक ही ऑप्शन होगा और वो है एसिटिक एसिड। तो इन्हें आप सिरका या विनेगर भी बोला करा, तो इसको याद रखो आप CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस महान हस्ती को मिला है? तो ये वो महान हस्ती है, सदी की महान हस्ती अमिताभ बच्चन को ये पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्राई आइस यानी सूखी बर्फ। सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ जिसको अपन ड्राई आइस भी कहते हैं। ड्राई आइस का मतलब वो नहीं कि बर्फ में सुखा दी तो गैस बन जाएगा, ठीक है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड को अपन केमिकली लिख सकते हैं CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, देखो दे रहा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया। लेकिन अपने को वो सूखी बर्फ पहचानी है, ड्राई आइस। देखो सूखी बर्फ पूछ सकते हैं, कभी कभी ड्राई आइस भी पूछ सकते हैं, अपन देखना ये है कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो वो होगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कि हम लोगों ने ये कलेक्शन का क्वेश्चंस का कलेक्शन कहां से किया? क्वेश्चंस देखो पिछले 10 दिनों से हम एक सुबह का 8-8:30 बजे के लगभग एक करंट अफेयर्स का एक एपिसोड लॉन्च किया है, एक नजर पत्रिका भास्कर न्यूज एनालिसिस पर। तो पिछले कई दिनों से उसी न्यूज एनालिसिस में से हमने ये क्वेश्चंस निकाले। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, देयर आर लॉट मोर क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेटली 100 टू 120 क्वेश्चंस देयर आर आल्सो। ये क्वेश्चंस आपको कहां मिलेंगे? ये क्वेश्चंस आपके हमारी जो मिजाज एकेडमी की जो मोबाइल एप्लीकेशन है, वेदर इट इज एंड्रॉइड हो या आपकी iOS हो, दोनों में आप ये चीज देख सकते हो। तो इसको डाउनलोड करके देखिए, आप YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, उसको ज्वाइन करिए, ठीक है। इस चैनल के जरिए आप हमारे जो करंट अफेयर्स का जो डेली का जो पैनल है वो आप देख सकते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन मैं देख रहा था, भारत में परम सुपर कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का निर्माण किस जगह हुआ था? तो परम सुपर कंप्यूटर PARAM, देखो ये बड़ा नाम है, इसका भी फुल फॉर्म है, लेकिन ये फिलहाल ये देते हैं कि ये बना कहाँ, ये पुणे में बना है और जिस कंपनी ने बनाया है वो है सीडे कंपनी, इसकी निर्माता है। तो हम ये कह रहे थे कि आपका हाँ तो धन्यवाद बहुत बहुत, खत्म हो कोई बात